तो दोस्तों फाइनली मीटियोर की एक लाइव इमेज जो है ना गाड़ी वाड़ी ने शेयर किया हुआ है। ये देख के मुझे एक तो लग रहा है कि हाँ भाई बहुत सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन हैं। बहुत सारे लोग जो है कमेंट सेक्शन में ऐसा लिख रहे हैं कि ये थंडरबर्ड एक्स और थंडरबर्ड जैसे ही है, बस नाम जो है चेंज कर दिया। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। अलॉयबल ट्यूबलेस टायर ये सब तो बहुत फीचर वर्क बहुत सारे बेसिक हो चुके हैं। अभी मेन चीज़ जो है इसका इंजन है दोस्तों, इंजन जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन किया है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि बहुत सारे रिफाइनमेंट्स किए हैं, बैलेंस शाफ्ट लगाया है, फिफ्थ गियर ओवर ड्राइव लगाया हुआ है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स जो है ना वो चेंज किए हुए हैं। जो डिस्क है वो भी थोड़ा सा लार्ज बड़ा किया है, जिससे आपका कंट्रोलिंग ग्रिपिंग बढ़ जाए। टैंक साइज जो है घटा दी गई है, 15 लीटर कर दी गई है, बट हाँ फिर भी अच्छा है। अगर आप क्रूजिंग करना चाहते हैं तो फिर भी अच्छा है। अभी माइलेज देखना पड़ेगा कितना टॉप स्पीड टच करती है, इसका डिस्प्ले कंसोल कैसा वर्क करता है, रियर से जो लाइव व्यू है ना वो कैसा आ रहा है, एंड मेन चीज़ है ओवरऑल लुक। अभी देखिए इमेज कभी भी ना फोटोज पिक्चर्स जो होते हैं कभी भी जस्टिस नहीं करते। जब आप उसको लाइव देखते हैं तो उसका जो जस्टिफिकेशन है ना वो कभी भी फोटो नहीं दे सकता। बट हाँ एक टेंटेटिव आइडिया के लिए ये इमेज जो है ना आप लोगों के लिए है। आई डोंट नो गाड़ी वाड़ी को ये बाइक कहाँ से मिलेगी, अभी तो 6 तारीख आई भी नहीं है, एंड लॉन्च से पहले ही सारी जो बाइक है वो दिख गई है। तो रॉयल एनफील्ड वालों के जो बोलते हैं ना लॉन्च जो है वो एक तरह से वेस्ट ही जैसा गया हुआ है। बट एनीवे जो भी है लोगों के लिए गाड़ी बन रही है, लोगों को ही देखना है, लोगों को ही अपडेट मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है कि इमेज आपको पहले से देखने को मिल रही है। जो भी प्लान कर रहे हैं बाय करने का, ये सुपरनोवा मॉडल है, इसमें स्टेलर भी है, इसमें आपको फायरबॉल मिल जाएगा। मुझे फायरबॉल स्टेलर पसंद है, सुपरनोवा थोड़ा सा देसी टाइप की बाइक लग रही है। दोस्तों अभी भी जो प्राइसिंग का अपडेट कहा जा रहा है वो 1.90 के आसपास ही कहा जा रहा है, उससे कम होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 1.65 होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। मैंने बहुत पहले से पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्राइसिंग जो है बहुत ही कम इसकी कोट की जा रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, प्राइसिंग हायर साइड में ही होगा। अगर आपका बजट है तो ही वेट करिएगा। एंड इसमें जो की लगाई गई है वो इंटरसेप्टर की ही है, तो दोस्तों वो की का लुक भी थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। एंड टेल लाइट जो है राउंड शेप की दिख रही है। एंड अगर तीनों के डिफरेंस की अगर बात करें, स्टेलर, सुपरनोवा या फिर आपका फायरबॉल, इन तीनों के डिफरेंस की बात करें तो कॉस्मेटिक लुक्स और थोड़े बहुत जो है ना हल्के फल्के जो है उसमें एसेसरीज का ही फर्क किया गया है, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। सीट जो देख रहे हैं सीटिंग हाइट बहुत ही लो की गई है, जिससे कि आप 5.2 भी है ना तो भी आप राइडिंग का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप ये प्लान बाइक कर सकते हैं क्योंकि सिटिंग हाइट अच्छी है, व्हील बेस अच्छा मिल रहा है, इवन इसका जो लोगो वोगो भी है उसमें भी बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। अब एक चीज का और वेट है इसके टेस्ट राइड का, मैं टेस्ट राइड का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे सिटी में आए और मैं आपको टेस्ट राइड करके दिखाऊं। उससे पहले आप सुन लीजिए इसका एग्जॉस्ट नोट। दोस्तों एग्जॉस्ट नोट में आपको रोर साउंड और थंप साउंड दोनों सुनने को मिल रहा होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन तो लग रहा है। बट आपको मालूम है कि टीजर में जो होता है ना, टीजर वीडियोस में थोड़ा साउंड को ऊपर नीचे किया जाता है, एक्चुअल साउंड जो होता है थोड़ा डिफर होता है। तो एक्चुअल साउंड सुनने का मैं वेट करूंगा, जल्दी जल्दी आपके लिए इसकी लाइव वीडियो ना मैं जल्दी से लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों यहां वीडियो कमेंट करते हैं, आपको कौन सा साउंड पसंद आया, हाइनेस का साउंड पसंद है या इसका साउंड पसंद है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए बुलेट ग्रुप, ऐसी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट में अपडेट जो है आपके लिए आते रहेंगे। बाय।